वर्तमान समय में इंडिया के क्रिकेट टीम में एक से एक बेहतरीन प्लेयर है जो अपनी बैटिंग बॉलिंग और कीपिंग से बेहतरीन परफॉर्मेंस करते नजर आते हैं। बीसीसीआई के सालों के कोशिशों के बाद अब क्रिकेट में एक से बढ़कर एक टैलेंट उभर कर सामने आ रहे हैं। उनमें से एक नाम शुभमन गिल का भी आता है जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इंडियन टीम में जगह बनाई और एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और लगातार टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इस नई स्टोरी में जानेंगे कि कैसे शुभमन गिल ने मेहनत की और इस बड़े मुकाम को हासिल किया। इसके अलावा जानेंगे इनके फैमिली के बारे में भी और फिलहाल किस तरह के ये लाइफस्टाइल जीते हैं उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। अगर आप दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। शुभमन का असली नाम शुभमन गिल है और प्यार से इन्हें सभी शुभ बुलाते हैं। शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को फजिलका पंजाब में हुआ। शुभमन की एजुकेशन पंजाब में ही पूरी हुई है। मानव मंगल स्मार्ट स्कूल मोहाली से इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। दोस्तों शुभमन की सफलता के पीछे इनके पिता और इनके बहन का बड़ा हाथ बताया जाता है। शुभमन के पिता को इनकी प्रतिभा का अंदाजा तब लगा था जब उन्होंने इनके साथ खेत में क्रिकेट के दौरान शर्त रखी थी कि जो भी गेंदबाज शुभमन को आउट करेगा उसे मैं 100 रुपए दूंगा और यहां पर शुभमन को कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं कर पाया था, जिस वजह से इनके पिता ने सही रास्ता दिखाया और आज वो एक बड़े खिलाड़ी बन सके हैं। वहीं इनकी बहन इनके गलत तरीके से आउट होने पर इनका मजाक बनाया करती थी। उनका कहना था कि शुभमन गिल को ठंडे दिमाग से खेलना चाहिए। हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में जल्दी अपना विकेट खोने का डर रहता है, इसलिए उचित गेंद पर ही शॉट्स खेलना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों शुभमन के क्रिकेट करियर के बारे में। दोस्तों शुभमन गिल जब 8 साल के थे तो इनके पिता इनको लेकर मोहाली चले गए जहां इन्होंने एक मकान किराए पर लिया जिसके सामने ही मोहाली का पीसीए स्टेडियम हुआ करता था। वहीं पर उन्होंने शुभमन को एक क्रिकेट एकेडमी में दाखिला करवा दिया जहां से शुभमन ने क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू की और क्रिकेट की सभी बारीकियां उन्होंने वहीं पर सीखी। शुभमन का पहली बार प्रोफेशनल लेवल पर सिलेक्शन पंजाब की अंडर 16 टीम में हुआ था। शानदार बल्लेबाजी के चलते इनको पंजाब की अंडर 16 टीम में चुना गया। इसके बाद इनको पंजाब की अंडर 19 टीम की तरफ से भी खेलने का मौका मिला जहां से इनको हरभजन सिंह जैसे महान खिलाड़ी से भी खेल की बारीकियों को सीखने का अवसर मिला। शुभमन के लिस्ट ए के मैच की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई थी। शुभमन के पहले लिस्ट ए के मैच में इनको सिर्फ 11 रन पर आउट कर दिया गया था। ये मैच इन्होंने हरभजन सिंह की कप्तानी में खेला था। पंजाब ने इस मैच को 6 विकेट से जीता था जो कि विजय हरारे ट्रॉफी का मुकाबला था और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में खेला गया था जिसे अब हम अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं। शुभमन ने अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत बंगाल के खिलाफ खेलते हुए अमृतसर के मैदान से की थी। पंजाब की तरफ से इन्होंने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच 17 नवंबर 2017 को खेला था। रणजी ट्रॉफी के इस मुकाबले में इन्होंने 63 रन की शानदार पारी खेली थी और फरवरी 2017 में शुभमन उस इंडियन अंडर 19 सीरीज का हिस्सा भी रहे जिसमें टीम इंडिया ने इंग्लैंड अंडर 19 टीम को हराया था। इसके बाद शुभमन गिल को भारत के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया जिसके चलते इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और पूरे टूर्नामेंट में 372 रन बनाए और इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए आईपीएल 2018 में इनको कोलकाता नाइट राइडर ने 1,80,00,000 रुपए में खरीद के अपनी टीम में शामिल कर लिया। दोस्तों शुभमन ने 31 जनवरी 2019 में अपना ODI डेब्यू किया न्यूजीलैंड के खिलाफ और इसी दौरान शुभमन इंडिया टीम के यंगेस्ट बैट्समैन बन गए जिन्होंने फर्स्ट क्लास मैच में डबल सेंचुरी लगाई और 19 साल की उम्र में इंडिया ए के लिए इन्होंने 204 रन बनाए वेस्टइंडीज के खिलाफ ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में। इस प्रदर्शन के बाद इनका नाम इंडियन टेस्ट टीम में भी आया और 26 दिसंबर 2020 को इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं शुभमन 2018 से लेकर 2021 तक आईपीएल में केकेआर के लिए खेलते थे लेकिन 2022 में गुजरात टाइटंस ने 8 करोड़ रुपए में शुभमन को खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लिया था। अब आईपीएल 2023 में इन्हें गुजरात टाइटन द्वारा 8 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों शुभमन गिल के अंतरराष्ट्रीय करियर की। शुभमन गिल ने अब तक 18 ODI मुकाबले में 59.60 की औसत से 103.71 की शानदार स्ट्राइक रेट से 894 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतकीय पारी खेली है। उन्होंने 104 चौके और
13 छक्के जड़े हैं, साथ में एक दोहरा शतक भी लगाया है। शुभमन गिल ने अब तक 13 टेस्ट मैच के 25 इनिंग में एक शतक और 4 अर्धशतक के साथ टोटल 736 रन बना चुके हैं। शुभमन गिल ने IPL के 71 इनिंग्स में कुल 1900 रन बना चुके हैं। इनमें इनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94 रन का है और इन्होंने अब तक 14 अर्धशतक भी लगाए हैं। शुभमन गिल ने 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 5 पारियों के 2 इनिंग्स में 135 रन बनाए हैं। शुभमन गिल का T20 में हाईएस्ट स्कोर 49 रन का है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं शुभमन गिल की फैमिली से। इनके पिता का नाम है लखविंदर सिंह गिल जो कि एक किसान है और इनकी माँ का नाम है केट गिल जो कि एक हाउसवाइफ है और शुभमन की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है सहनील कौर गिल। बात करें अगर शुभमन गिल के रिलेशनशिप स्टेटस की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शुभमन फिलहाल अनमैरिड है लेकिन वो बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को डेट कर रहे हैं जो कि सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी है, ऐसा कहा जाता है। पूरी तरीके से ये कन्फर्म नहीं है। अब बात करते हैं शुभमन गिल के हाउस के बारे में। तो दोस्तों शुभमन गिल का एक शानदार सा बंगला सेक्टर 48 चंडीगढ़ में है जैसा कि आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं और शुभमन यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। बात करें शुभमन गिल के कार कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इनके कार कलेक्शन में पहली कार है सुजुकी स्विफ्ट जिसकी कीमत है करीब 8 लाख रुपए और दूसरी कार इनके पास है महिंद्रा की थार जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए और तीसरी कार इनके पास है रेंज रोवर बेलार जिसकी कीमत है दोस्तों करीब 70 लाख रुपए। बात करें शुभमन गिल के इनकम के बारे में तो दोस्तों शुभमन गिल को BCCI की तरफ से ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। यहाँ से BCCI इनको हर साल 1 करोड़ रुपए बतौर सैलरी देती है और इनकी ज्यादातर इनकम IPL से होती है और IPL 2023 में गुजरात टाइटंस ने 8 करोड़ रुपए में इन्हें अपनी टीम के लिए रिटेन किया है और शुभमन की इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से भी होती है। शुभमन को एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं बात करें शुभमन गिल के नेटवर्थ के बारे में दोस्तों इनका नेटवर्थ है लगभग 31 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी क्रिकेटर शुभमन गिल की पूरी बायोग्राफी। आपको शुभमन गिल की बायोग्राफी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारी तरफ से इस युवा क्रिकेटर को भविष्य के मैचों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।